हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक अग्रवाल और मैं आज आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं सीएमए फाउंडेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपने सुना होगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको इस टॉपिक से यकीन मानिए मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है ना। ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है कि आप इसको डेली लाइफ में हर जगह यूज भी करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और सर सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आएगी, सर ये परमुटेशन होता क्या है। भाई अगर आपको टॉपिक के बारे में पता ही नहीं ये होता क्या है चैप्टर, तो इसका यूज कहां करेंगे, इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन इज अ मेथड बाय विच वी विल फाइंड the number of arrangement by which we will find the number of arrangement that is known to be the permutation। combination की बात करें, combination is a method by which we will find the number of selection, माने कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जाएगी, कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जाएगी ये तो परमुटेशन बताएगा, और कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जाएगी ये कॉम्बिनेशन बताएगा। अब सर सबसे पहली बात ये आती है, आप मुझे बताइए कि अरेंजमेंट और सेलेक्शन क्या ये दो अलग अलग वर्ड है? बिल्कुल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सेलेक्शन? भाई आप कैसे बताएंगे कि यहां मैंने चीजों को अरेंज किया है और यहां मैंने चीजों को सेलेक्ट किया है? सोचिए सोचिए सोचिए, सोचना पड़ेगा। भाई आपको कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को अरेंज किया जाना है या यहां चीजों को सेलेक्ट किया जाना है? दोनों बातें कर सकते हैं। भाई मैं पहला मैंने आपसे कहा कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को अरेंज किया गया है या सेलेक्ट किया गया है, माने आपको दे दिया मैंने अरेंज करके या सेलेक्ट करके, आप कैसे जज करेंगे? या क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सेलेक्शन, कैसे पता लगेगा? सर अरेंजमेंट के अंदर हम हमेशा ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, अरेंजमेंट के अंदर हम हमेशा ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। जबकि सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। मतलब जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हैं इसका मतलब आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं, और जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, माने कोई पहले आए और कोई बाद में आए, आपके लिए मैटर ही नहीं करता। इसका मतलब आप चीजों को क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं, माने अरेंजमेंट के अंदर गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। ठीक है ना, जबकि सिलेक्शन के अंदर नॉट गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। ठीक है ना, माने जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हैं
वो अरेंजमेंट है, और जहां कहीं भी आप ऑटो को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं वो आपका सिलेक्शन है। अब आइए इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं सर एक क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास में तीन बच्चे हैं, ठीक है ना। इन बच्चों को नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, जैसे राम श्याम और हरि, ठीक है ना। इन बच्चों का नाम है ए बी और सी, ठीक है ना। इन बच्चों में मुझे दो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन बच्चों में मुझे दो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब ये मान के चलिएगा, शुरुआत में मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं कि ए बी सी तीनों एलिजिबल हैं फर्स्ट और सेकंड प्राइज के लिए। अब इन हाउ मेनी वेज द प्राइस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात हो रही है। तो द फर्स्ट प्राइस, द फर्स्ट प्राइस ऑफ द क्लास गोज टू धक 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 धक। भाई पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास, तीन। कौन कौन सी सर, ए बी या सी, ठीक है सर। किसी ना किसी एक को फर्स्ट प्राइस मिलेगा। मान लीजिए हमने इस ए को, हमने कहा भैया तुम ए जो है इसको फर्स्ट प्राइस मिल गया। अच्छा, जब ए को फर्स्ट प्राइस मिल गया, क्या ए सेकंड प्राइस के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। अब द सेकंड प्राइस ऑफ द क्लास गोज टू, कितनी चॉइसेस सेकंड प्राइस के लिए, कितनी चॉइस, बी एंड सी दो चॉइसेस है हमारे पास, बी और सी दो चॉइसेस है। तो सेकंड प्राइस के लिए कितनी चॉइस रह गई हमारे पास, दो। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, सिक्स। माने तीन बच्चों में दो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे, सिक्स वेज। अब अगर मैं इन सिक्स वेज की बात करूं तो ये सिक्स वेज कौन कौन से हैं, जरा आइए देखते हैं ये छह तरीके कौन कौन से हैं। पहला, जब ए को फर्स्ट मिला तो बी को सेकंड, और ए को फर्स्ट मिला तो सी को सेकंड। दो वे तो ये बन सकते थे। अच्छा जी, अच्छा जैसे ए को फर्स्ट दिया वैसे बी को भी फर्स्ट दे सकते थे। माने बी को फर्स्ट मिला तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट मिला तो सी को सेकंड। ऐसे ही फर्स्ट प्राइज सी को भी मिल सकता था, सी को फर्स्ट मिला तो ए को सेकंड, और सी को फर्स्ट मिला तो बी को सेकंड। इन छह के अलावा कोई सातवां वे बनेगा? माने दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। माने तीन बच्चों में दो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हुए, छह। अच्छा, अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या यहां पर ए बी और ये बी ए, क्या ये दोनों बातें सेम है? क्या यहां पर ए बी और बी ए, क्या ये दोनों बातें सेम है? सर नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग है। सर क्या डिफरेंस है दोनों में? सर दोनों में ये डिफरेंस है कि यहां पर ए को फर्स्ट और बी को सेकंड, और यहां पे बी को फर्स्ट और ए को सेकंड। मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। मतलब हमारे लिए ऑर्डर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब हमने ये क्या निकाला है, दैट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अगर मैं कहता ए बी और बी ए ये दोनों बातें एक ही है, तो दैट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन। जैसे जैसे मैं अगर आपसे बात करूं आपके घर में कौन कौन है, भाई आपके घर में कौन कौन से मेंबर है, तो आप कहेंगे सर मम्मी पापा और ब्रदर और सिस्टर, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद बोले नहीं 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 सर क्या हुआ, सर मैंने गलती से गलत बोल दिया मैंने। अच्छा क्या हुआ, कौन कौन है अब बता दो। तो आपने कहा सर ब्रदर और सिस्टर, पापा और मम्मी। तो मैं क्या कहूंगा, सर बात तो एक ही है,
सर बात तो एक ही है, इसमें क्या गलत हो गया? बोले सर हाँ बात तो सही कह रहे हैं। देखिए कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये आपके लिए मैटर नहीं कर रहा, मतलब ये कहलाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर मैं कहूं जिसका नाम पहले लेंगे आप उससे उस सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जिसका नाम बाद में लेंगे उससे आप थोड़ा सा कम प्यार करते हैं, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? मम्मी से, उसके बाद पापा से, और उसके बाद भाई या बहन से। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? भाई या बहन से, दूसरे नंबर पे पापा से, और तीसरे नंबर पे मम्मी से। तो ये दोनों बातें अलग अलग होती। मतलब अगर मैं ये कहता जिसका नाम पहले लेंगे वो ज्यादा लवेबल, और जिसका नाम बाद में लेंगे उससे आप प्यार कम करते हैं, तो ये दोनों बातें अलग अलग होती। मतलब तब आपके लिए ऑर्डर क्या करता है? मैटर करता। इसका मतलब क्या हुआ? आप चीजों को अरेंज करते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 पर्सन के नाम की बात करूं तो भाई बहन का नाम पहले लो, पापा का नाम पहले लो, या मम्मी का नाम पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप चीजों को क्या करते? सेलेक्ट करते। मतलब जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर करता होगा वहां आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं, और जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा वहां आप चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन में कहता है कि अगर आपको एन थिंग्स में से आर थिंग्स को अरेंज करना है, हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे नहीं, हम तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली समझेंगे। एन थिंग्स में से आर थिंग्स को अगर आपको अरेंज करना है तो उसके वेज होते हैं, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या कहूं परमुटेशन, बात एक ही है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कहूं या नंबर ऑफ परमुटेशन कहूं, बात एक ही है। दैट इज इक्वल्स टू एन पी आर। ये किसके बराबर होगा? एनपीआर के बराबर होगा। एंड दैट इज, अब एनपीआर क्या होता है सर? ये फॉर्मूला होता है, हालांकि हमें पूरा चैप्टर में कहीं भी कोई भी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। आपको मैं ऐसे करा दूंगा कि आप खुद फॉर्मूले बना सको, ठीक है ना? तो एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। Here, n is always greater than equals to r। मतलब क्या है? मान लीजिए, अगर मान लीजिए 5 पर्सन है, इसमें से आपको 3 पर्सन्स को अरेंज करना है, ठीक है ना? 5 पर्सन है, 3 को अरेंज करना, 5 में से 3 को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 5 को अरेंज कर सकते हैं। क्या 5 पर्सन में से 6 पर्सन को अरेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। माने n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी या मैक्सिमम बराबर होगी। अब सर ये जो साइन लगा हुआ है ये क्या होता है? दैट इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ये किसका सिंबल होता है सर? फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। माने जब तक 1 ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम सीधे सीधे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस। सर 3 प्राइजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना? बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट। 10 बच्चों के बीच में 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? अब सर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जनरल सी बात करेंगे,
तीन प्राइजेस है सर। कौन कौन से तीन प्राइज है सर? एक तो है सर फर्स्ट प्राइज, ठीक है, और कौन सा है सर सेकंड प्राइज, ठीक है, और कौन सा है सर थर्ड प्राइज, ठीक है। अब 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का नाम देना पड़ेगा। हमने एज्यूम कर लिया 10 बच्चों का नाम, कौन कौन से सर? 10 बच्चों का नाम एज्यूम कर लिया सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये 10 बच्चे हैं सर। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, एक का नाम है ई, एक का नाम है एफ जी एच आई जे, ये 10 बच्चे हो गए। इन 10 बच्चों के अंदर इन तीन प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कितने तरीकों से आप प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या बच्चा उठा के प्राइज में बांटेंगे या प्राइज उठा के बच्चे में बांटेंगे? सब प्राइज उठा के बच्चे में बांटेंगे। तो द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू, कितनी चॉइसेस सब पहले प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितनी चॉइसेस हमारे पास? 10। किसी एक को फर्स्ट प्राइज दे देंगे, मान लीजिए इसको फर्स्ट प्राइज दे दिया, ये फर्स्ट मिल गया, ये तो खुश हो गया सर। अब इसने सेकंड की चाह छोड़ दी, थर्ड की चाह छोड़ दी। द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, कितनी चॉइसेस रह गई सर? 9। भाई सी को छोड़कर बाकी किसी को ही मिल सकता है, मान लीजिए जे को सेकंड प्राइज मिल गया। अब जे थर्ड के बारे में नहीं सोचेगा, ये तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बारे में पहले नहीं सोच रहा था। अब द थर्ड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू, कितनी चॉइसेस सर? कितनी चॉइसेस होंगी सर? 8। तो थर्ड के लिए कितनी चॉइसेस हो गई सर? 8 चॉइसेस हो गई। भाई फर्स्ट से मिल गया, सेकंड से मिल गया, तो थर्ड के लिए गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू 720। माने 10 बच्चों के बीच में तीन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 720 वेज होंगे। बात समझ में आ गई सर? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है सर? हमने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिकली समझा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर ही मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील करने का तरीका समझ में आ जाए, ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइज। अब जरा देखिए ध्यान से, प्राइज आपको डिफाइन कर रखे कौन कौन से? मोस्ट सिंसियर, मोस्ट टैलेंटेड और बेस्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, मोस्ट सिंसियर, मोस्ट टैलेंटेड और बेस्ट। माने पहला प्राइज है P1, इसको नाम दे देगा P1, इसको P2 और इसको P3। तो 3 प्राइज है, P1, P2 और P3, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने। कितने बच्चों के बीच में सर? 8 स्टूडेंट के बीच में। अब इन 8 स्टूडेंट को नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इन 8 बच्चों के बीच में मुझे इन 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फिर वही वाली बात, बच्चा उठा के प्राइज में बांटेंगे या प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे? सर प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे। तो द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, कितनी चॉइसेस है मेरे पास? सर 8 चॉइसेस है। तो सर 8 चॉइसेस हो गई, ये हो गई 8 चॉइसेस। किसी एक को मोस्ट सिंसियर बोल दू? मैंने कहा जो बच्चा बी है ना, ये बहुत सिंसियर है, क्लास का सबसे सिंसियर स्टूडेंट है, ठीक है ना? अच्छा अब बात करते हैं P2 की, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना? द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, कितनी चॉइसेस? 7 नहीं होंगी सर? अच्छा एक बार बताइए, जो सिंसियर है क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट आया वो सेकंड नहीं आ सकता। जो फर्स्ट आया वो सेकंड नहीं आ सकता। भाई देखिए ना, इससे पहले वाले केस में जो फर्स्ट आया सी, तो ये सेकंड और थर्ड के बारे में सोचेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, जो सिंसियर है
वो टैलेंटेड भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है। मतलब इससे पहले वाले केस में क्या हुआ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हुआ, माने एक बच्चा मैक्सिमम एक प्राइज ही ले आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहां बच्चा जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है, आप ही हो ना। अगर मोस्ट सिंसियर का आपको अवार्ड मिल गया तो आप क्या सोचोगे, हे भगवान काश मोस्ट टैलेंटेड वाला भी मुझे मिल जाए और बेस्ट वाला भी मुझे मिल जाए तो दुनिया मेरी शक्ल देखेगी। बात सही है गलत है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, कितनी चॉइस होगी, अगेन 8, और बेस्ट के लिए भी कितनी चॉइस होगी, 8। मतलब आंसर आ गया 512 बेस। मतलब यहां पे क्या हो गया, रिपीटेशन इज अलाउड हो गया, यहां रिपीटेशन क्या हो गया, अलाउड हो गया। बात समझ में आ गई भाई। देखिए ना, जो प्राइज जो फर्स्ट प्राइज ले जाएगा वो सेकंड और थर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, लेकिन जो सिंसेयर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है। मतलब इस वाले केस में रिपीटेशन अलाउड हो गया और इससे पहले वाले केस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री प्राइजेस, तीन प्राइजेस कौन कौन से, R1, R2, R3। ये बताया नहीं क्या प्राइजेस है, इसने बताया ही नहीं हमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सिंसियर टैलेंटेड बेस्ट है, कुछ बताया ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आगे बताएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये इसने कहा बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 स्टूडेंट, कितने बच्चों में बांटने, 6 बच्चों में बांटने। सबसे पहले 6 बच्चों को नाम दे दिया, A, B, C, D, E और F। ये 6 बच्चों के बीच में मुझे 3 प्राइस R1, R2 और R3 को बांटना है। मैंने ठीक है सर, सो दैट इसने कंडीशन लगा दी। हमने कहा क्या बात है भाई, इसने कहा नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 1 प्राइस, किसी भी बच्चों को एक से ज्यादा प्राइस नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमने कहा R1 के लिए कितनी चॉइस होंगी, R2 के लिए कितनी चॉइस होंगी और R3 के लिए कितनी चॉइस होंगी। हमेशा याद रखिएगा, चॉइसेस को प्लेस के नीचे लिखिएगा। R1 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी सर, 6। R1 के लिए कितनी चॉइस होंगी, 6। अच्छा, अब किसी एक को प्राइज मिल जाएगा, मान लीजिए इस C को R1 प्राइज मिल गया, क्या C R2 के बारे में सोचेगा। ध्यान से देखिए, नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, तो सी R2 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो R2 के लिए कितनी चॉइस हो गई, 5, और R3 के लिए कितनी चॉइस हो गई, 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 120। समझ में आया बेटा जी, क्लियर हो गई बात। चलिए अब दूसरा पॉइंट कह रहा है, एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, माने कोई भी बच्चा कितनी भी प्राइज ले जा सकता है। मतलब कोई भी बच्चा एक प्राइज भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों ले जाए। मतलब इस वाले में केस में क्या हो गया, रिपीटेशन इज अलाउड हो गया, ठीक है ना। तो माने R1, R2 और R3 की बात करूं तो यहां पे R1 के लिए कितनी चॉइस हो गई, R1 के लिए कितनी चॉइस हो गई, 6। R2 के लिए अब मान लीजिए इसे R1 मिल गया, सेकेंड वाले केस की बात कर रहे हैं, तो सी R2 के बारे में भी सोच सकता है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। तो R2 के लिए भी कितनी चॉइस, 6, और R3 के लिए भी कितनी चॉइस, 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई, 216। बात समझ में आ गई दोस्तों, माने रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड दोनों केस का डिफरेंस क्लियर हो गया। समझ में आ गया ना, माने हम यहां पे क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ देयर आर 6 वैकेंट सीट्स इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। अच्छा जी, मान ले एक ये रेलवे कंपार्टमेंट है और उसके अंदर 6 सीट इस तरीके से खाली पड़ी हुई है, ये 6 सीट खाली पड़ी हुई है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन सिट ऑन इट, 3 पर्सन कितने तरीकों से इस पे बैठ सकते हैं। अब 3 पर्सन यहां पे आ गए, धीमे धीमे घूमते घामते कंपार्टमेंट में एंट्री करी, इसको नाम दे देते हैं रामू,
श्याम और बाबू, ये तीन पर्सन आ गए इस रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर, घुस गए। अब ये पूछ रहा है कितने तरीकों से इन्हें बैठाया जा सकता है। सबसे पहले रामू ने एंट्री करी, और रामू के लिए कितनी चॉइसेस होंगी आप मुझे बताइए भाई, 6 कुर्सी खाली पड़ी हुई है, कहीं भी बैठ सकता है। तो रामू के लिए कितनी चॉइस, राम, श्याम और बाबू। राम के लिए कितनी चॉइस होगी सर, राम के लिए कितनी चॉइस होंगी, 6। किसी एक पे भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। यहां राम को बैठा दिया, चलो भाई यहां बैठ जाओ, राम बाबू जाके यहां पे बैठ गए, ठीक है ना। अब आए श्याम, राम की तो बात खत्म हो गई, राम तो बैठ गए, अब श्याम की बात शुरू हुई। श्याम के लिए कितनी चॉइस सर, 6 नहीं होंगी, एक के ऊपर एक नहीं बैठाना है, ऐसे नहीं कहेंगे थोड़ा उधर खिसकियो, ना 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 बिल्कुल नहीं। तो श्याम के लिए कितनी चॉइस हो गई, 5। और श्याम मान लीजिए यहां आके बैठ गए, तो श्याम भी कट हो गए, श्याम भी बैठ गए। अब बाबू के लिए कितनी चॉइस रह गई सर, 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, 120। माने इन 6 टेबल पे, 6 चेयर्स पे 3 पर्सन को बैठाने के तरीके कितने होंगे, 120। बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, इसलिए इन क्वेश्चन को नाम दिया गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को इमेजिन करना है और सीधे सीधे आंसर देना है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 5 होटल्स इन अ टाउन, एक टाउन है, कोई भी एक शहर का नाम ले लीजिए या किसी कस्बे का नाम ले लीजिए, वहां पे 5 होटल है, ठीक है ना। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन स्टे इन एनी होटल, 3 पर्सन है वो नो होटल में ठहरना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है। उन 5 होटल का नाम ले लिया, होटल स्वान टावर, होटल बद्री, होटल के, होटल एमिन और होटल जेड। ये मान लीजिए 5 होटल है, ठीक है ना, एक टाउन में 5 होटल है। अब 3 पर्सन, तो हमने भैया 3 पर्सन बना लिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 पर्सन इन होटल में जाके ठहरना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन स्टे इन, पहला है एनी होटल, कोई कहीं ठहरे, किसी को कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताइए कि इस पहले वाले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, 5, ठीक है ना भाई, कोई कहीं ठहरे, किसी को कोई मतलब नहीं। दूसरे वाले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, अगेन 5, और तीसरे वाले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, अगेन 5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 125। मतलब यहां क्या हो गया, रिपीटेशन अलाउड हो गया, क्लियर हो गई बात। दूसरे की बात करें, इन डिफरेंट होटल, माने हर पर्सन अलग अलग होटल में ही ठहरेगा, सेम होटल में कोई ठहर सकता। अब पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, कोई सी भी किसी भी होटल में ठहर सकता है, 5। मान लीजिए इसको नाम देते थे ए, ये बी, ये सी, तो ए इस के होटल में जाके ठहर गया। अब बी के लिए कितनी चॉइस, डिफरेंट होटल कह रहा है सर, माने बी इसमें जाके नहीं ठहर सकता, बाकी 4 में तो ठहर सकता है, तो बी के लिए कितनी चॉइस, 4। भाई कहीं जाके मान लीजिए बी यहां जाके ठहर गया। अब सी के लिए कितनी चॉइस, आप देखिए सी ना ही इसमें जा सकता है होटल के में, ना ही होटल जेड में, सी के लिए 3 चॉइसेस बची, कौन कौन सी, होटल स्वर्ण टावर, होटल बद्री, होटल एमिन, ठीक है ना। तो 3 चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, 60। बात समझ में आ गई दोस्तों। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सेम होटल, तीनों को एक ही होटल में ठहरना है। तो सबसे पहले अगर इसको एज्यूम करें तो कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं ये जो ए है ये बॉस है और ये दोनों इसके कलीग्स हैं। ए जो है वो बॉस है, अब ये दोनों इनके कलीग्स हैं, तो जहां बॉस ठहरेगा वहीं दोनों कलीग्स भी ठहरेंगे, नहीं आए बात समझ में।
तो सबसे पहले एक लिए कितनी चॉइस, कोई सी भी पांच, किसी भी होटल में जाके ठहर सकता है। अब मान लीजिए यहां पे ए जो है होटल के में जाके ठहर गया, अब बी के लिए कितनी चॉइस बची, सिर्फ एक। भैया जहां पे बॉस कहेंगे, जहां पे बॉस रहेंगे वहां पे हम भी रहेंगे, तो बी के लिए कितनी चॉइस, एक, और सी के लिए भी कितनी चॉइस, एक। तो यहां टोटल चॉइस कितनी हो गई, फाइव। बात समझ में आ गई, माने ये हो गया रेपिटेशन अलाउड, ये हो गया रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहां हो गई कंडीशन एक ही पर्सन पे डिपेंड है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ देयर आर 10 ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता के बीच में 10 ट्रेनें जाती हैं और आती हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये जो 10 ट्रेनें जाएंगी वो लौट के भी आएंगी। 10 ट्रेनों का नाम जैसे श्रमजीवी, ठीक है ना, शालदा, कोई और सुपरफास्ट, ठीक है ना, जनधन, जनमंत्र, जो भी है, बहुत सारी 10 ट्रेनों का नाम लिख दिया, ठीक है ना, 10 ट्रेनें ऐसे करके लिख दिया, T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन टू T10 तक। ये 10 ट्रेनें दिल्ली से कोलकाता के बीच में रन करती हैं। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर ये सिंबल बना होता है, जो जाएगी वो लौट के भी आएगी, ठीक। देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाई अ ट्रेन, सबसे पहले तो जाने की चॉइसेस बताइए सर। कोई बंदा दिल्ली स्टेशन पे खड़ा हुआ है, 10 ट्रेनें सामने खड़ी हुई हैं, तो जाने की चॉइसेस कितनी होंगी, 10। एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी ट्रेन, किसी भी ट्रेन से लौट के आए, माने जिससे गया कोई जरूरी नहीं है उसी से लौट के आए, किसी से भी लौट सकता है, तो लौट के आने के लिए भी 10। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, 100। अच्छा फिर दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाई ए ट्रेन, जाने के लिए कितनी चॉइस, 10। एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट ट्रेन, मान लीजिए अगर ये T2 से गया था, बड़ी बेकार ट्रेन थी, सब बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो लौट के आने के लिए T2 से नहीं आएगा, किसी और से आ सकता है, तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 9, माने 90 वेज। सेम ट्रेन, अब जाने के लिए कितनी चॉइस, अगेन 10। और रिजर्वेशन करा रखा है सर, रिजर्वेशन करा रखा है, जिससे गया उसी से लौट के आएगा, तो 1, तो 10 वेज। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो दोस्तों अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ देयर आर 7 डोर्स टू एंटर इन अ मॉल। अच्छा जी सर, मान लीजिए आपके सिटी में एक मॉल है, जैसे मैंने नाम ले लिया V3S मॉल, ठीक है ना, ये दिल्ली में है सर। V3S मॉल में एंट्री करने के लिए 7 दरवाजे हैं, 7 अलग-अलग दरवाजों से आप एंट्री कर सकते हैं। देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर। तो भैया पहले तो मॉल में एंट्री करेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, जाने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी। भाई हमेशा जब मॉल में जाएगा उसके बाद वापस आएगा ना, तो जाने के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, ऑलवेज 7। एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर, लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 7। तो चॉइस हो गई 49 वेज। बात समझ में आ गई। अब इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, जाने के लिए कितनी चॉइस, 7। एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट डोर, माने जिससे गया है उससे वापस नहीं आएगा, तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 6। 42 वेज, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर इन द मॉल बाय अ डोर, जाने के लिए कितनी चॉइस, 7। एंड रिटर्निंग बैक बाय सेम डोर, जिससे गया है
उसी से वापस आएगा, तो लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस बची। मान लीजिए आप गेट नंबर वन से गए, तो भाई जाने के लिए वैसे आपके पास सेवन गेट थे, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप गेट नंबर वन से गए और आप चाहते हैं आपकी कार जो है वही खड़ी हुई है, तो आप चाहते हैं कि गेट नंबर वन से निकले ताकि आपको परेशानी ना हो कार ढूंढने में, तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस? एक। तो चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? सेवन। बात समझ में आ गई सर? यहां हो गया रिपीटेशन अलाउड, यहां हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर इज अ लॉक कोड ऑफ 4 डिजिट इन योर फोन। सर ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके फोन में एक 4 डिजिट का लॉक कोड पड़ा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग पैटर्न यूज करते हैं, कुछ लोग लॉक कोड का यूज करते हैं, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। अभी हम 4 की बात करके चल रहे हैं। 4 डिजिट का फोन लॉक कोड आपके फोन में पड़ा हुआ है, देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन अप्लाई द लॉक कोड एंड नॉट एबल टू गेट सक्सेस। माने उसे सक्सेस ना मिले, सक्सेस का तो एक ही तरीका ना, जो सही लॉक कोड अगर आपने अप्लाई कर दिया तो लॉक को आपका फोन क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा। लेकिन कितने तरीके ऐसे हैं जिसमें उसे अनसक्सेस मिले? अब पहले तो ये बताइए, ये एक 4 डिजिट का लॉक कोड जो है इसमें कौन कौन से नंबर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अगर ये अल्फाबेटिकली होता तो अल्फाबेटिकली देखते, लेकिन अभी ये डिजिट की बात कर रहा है, 4 डिजिट की बात कर रहा है, 4 डिजिट का एक लॉक कोड है, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? सर ये पहले प्लेस पे आप कितने लॉक कोड अप्लाई कर सकते हैं? 10। सर क्या सुना मैंने? आप कह रहे सर 0, 10 कैसे, 9 तो सर 0 भी तो आ सकता है। सर 0, 1, 0, 2 ये एक लॉक कोड नहीं है क्या? 0, 1, 0, 2 ये एक लॉक कोड नहीं है? 0, 0, 0, 0 ये एक लॉक कोड नहीं है? बिल्कुल है। लॉक कोड की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे। लॉक कोड की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 10। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? अगेन 10। तीसरे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 10। और चौथे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 10। माने टोटल कितने लॉक कोड बनाए जा सकते हैं? 10,000। ये टोटल लॉक कोड बन सकते हैं। इसमें से सही कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। जो सही है वही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो -1 मतलब 9,999 क्या होंगे? ये अनसक्सेस होंगे। ये हो गया आपका टोटल लॉक कोड और ये हो गई आपकी सक्सेस। माने टोटल में से अगर सक्सेस माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अनसक्सेस। माने इससे एक बात पता लगी, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन कभी भी निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करेंगे। किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा सर आपने कहा सर यहां तो आपने क्या करा? रिपीटेशन अलाउड कर दी। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होती तो यहां लिखा होता इफ देयर इज अ लॉक कोड ऑफ डिफरेंट डिजिट, 4 डिफरेंट डिजिट। तो पहले प्लेस के लिए 10, फिर दूसरे के लिए 9, फिर तीसरे के लिए 8 और चौथे के लिए क्या होता? 7। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? भाई अगर ये कहेगा नहीं तो हम तो ये मानेंगे रिपीटेशन अलाउड हो सकती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5, ये 5 लेटर्स है, बी पोस्टेड इन टू 4 लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स माने ये एक लेटर बॉक्स है, ये भी एक लेटर बॉक्स है, ये भी एक लेटर बॉक्स है और ये भी एक लेटर बॉक्स है। माने बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4। अब मुझे ये बताइए सर कि लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालेंगे या लेटर बॉक्स उठा के लेटर में डालेंगे? हैं? क्या बोला सर?
सर लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालेंगे, लेटर बॉक्स उठा के लेटर में डालेंगे? सर लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालेंगे। तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस? सर चार। पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस? सर चार। किसी को भी कहीं भी डाल सकते। दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइसेस? तीन नहीं होंगी, चार ही होंगी। क्यों भाई? आप देखिए ना, आप सारे लेटर उठा के एक लेटर बॉक्स में डाल के चले आए। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम तो ये मान के चलेंगे रिपीटेशन अलाउड है, एक लेटर बॉक्स में सारे लेटर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? तो दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइस? अगेन चार। तीसरे के लिए भी चार, चौथे के लिए भी चार, और पांचवे के लिए भी चार। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो जाएंगी? 4 की पावर 5। और यकीन मानिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसके दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, 5 की पावर 4 भी और 4 की पावर 5 भी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा किसको किस में पोस्ट करना है। लेटर को उठा के लेटर बॉक्स में डालना है, आपको लेटर बॉक्स उठा के लेटर में नहीं डालना है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस? चार। दूसरे के लिए चार, तीसरे के लिए चार, चौथे के लिए चार, और पांचवे के लिए भी चार। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस हो गई 4 की पावर 5। बात क्लियर हो गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इनटू 7 लेटर बॉक्सेस। फिर वही सॉल्यूशन की बात करें, कितने लेटर्स हैं? सर 6 हैं। ये 6 लेटर्स हैं। और कितने लेटर बॉक्सेस हैं? सर 7 लेटर बॉक्सेस हैं। कितने लेटर बॉक्सेस हैं? 7 लेटर बॉक्सेस हैं। अब वो कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स कैन बी पोस्टेड, लेटर पोस्ट करने हैं। तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस? सर 7। दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइस? 7। तीसरे के लिए 7, चौथे के लिए 7, पांचवे के लिए 7, और छठे के लिए भी 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 to the power 6। ये आंसर आ गया सर। आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका यही है। जितना प्रैक्टिकली समझेंगे क्वेश्चन, उतना ज्यादा इजी लगेगा आपको। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इंटू ईच ऑफ फाइव लेटर बॉक्सेस। का मतलब हर एक में एक लेटर जाना जरूरी है, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। माने आपके पास 5 लेटर हैं और 5 ही लेटर बॉक्सेस हैं। पांच लेटर है और 5 ही लेटर बॉक्सेस हैं। हर एक में एक लेटर जाना जरूरी है, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी आपके पास? सर 5। मान लीजिए L1 यहां डाल दिया। अब दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइसेस? अब इसमें L2 नहीं जा सकता। 4, 3, 2, 1। आप चाहे इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, चाहे तो हम इसे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। भाई कहीं लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहीं लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हम चाहे तो इसे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम अगर इसे सॉल्व कर ले तो आंसर निकल आएगा 120। बात समझ में आ गई सर? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 माने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, जहां हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसे हम बोलेंगे विच इज बेस्ड ऑन नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 to something, माने 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक, इस टाइप से बात करेंगे। जहां नंबर्स बनाने की बात करेंगे, वहां पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाएंगे, जहां नंबर्स की बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं
वन से लेके टेन, पहली बात तो ये समझिएगा, हमेशा हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। हमेशा हम किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर, वो नंबर्स जो मां प्रकृति ने हमें दिए हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, तो वन से लेके टेन कितने डिजिट का नंबर याद रखिएगा, इसमें लोअर इंक्लूड कर रहे हैं अपर इंक्लूड नहीं कर रहे, एक डिजिट का नंबर बनेगा। टेन से लेके हंड्रेड कितने डिजिट का नंबर बनेगा, दो डिजिट का नंबर बनेगा। भाई टेन से लेके हंड्रेड के बीच में कोई भी एक नंबर बता दीजिए तो हमेशा दो डिजिट का नंबर बनेगा। हंड्रेड से लेके वन थाउजेंड कितने डिजिट का नंबर बनेगा, तीन डिजिट का नंबर बनेगा। यहां 1000 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 999 तक की बात करें, 999 तक की बात कर रहे। 1000 से लेके 10000 की बात करें, चार डिजिट का नंबर बनेगा। 10000 से लेके 1 लाख की बात करें तो पांच डिजिट का नंबर बनेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट नंबर टू में आते हैं। बात समझ में आ गई? इनके सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ध्यान से देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म्ड By using the digit 015286, माने 01528 और 6 का यूज करके थ्री डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो आप रिपीटेशन अलाउड मानते या नॉट अलाउड? सर रिपीटेशन नॉट अलाउड माना जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाई होता है कि रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, माने कोई नंबर रिपीट हो सकता है या नंबर रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है दोस्तों तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये सीएमए इंस्टीट्यूट, मतलब जो आपका सीएमए फाउंडेशन का कोर्स है ना, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड माना जाएगा। कायदे में तो वैसे ही रिपीटेशन अलाउड का केस मानना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मानेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अभी फिलहाल दोनों केसेस ले रखे हैं और दोनों केसेस को हम बहुत तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीन डिजिट का नंबर बनाना है सर, तो थ्री डिजिट का नंबर बनाने तो माने हमारे पास कितने प्लेसेस होंगे, तीन प्लेसेस होंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत से कराया है, चॉइसेस को हमेशा प्लेस के नीचे रखिएगा। चॉइसेस को आप हमेशा क्या करेंगे, प्लेस के नीचे रखेंगे, माने तीन डिजिट का नंबर बनाना है। अब इस वाले पहले वाले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस, क्या जीरो पहले प्लेस पे आ सकता है? सर आ सकता है। अच्छा अगर आ सकता है तो जरा मुझे सोच के बताइएगा, क्या जीरो वन और फाइव क्या ये एक तीन डिजिट का नंबर है? सर लॉक कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। क्या आप इसे 0115 पढ़ेंगे? गलत है सर, जीरो पहले प्लेस पे आ ही नहीं सकता, नंबर की बात कर रहे हैं, जीरो पहले प्लेस पे आ ही नहीं सकता, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो, जीरो कभी भी पहले प्लेस पे नहीं आ सकता सर, किसी हालत में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो पहले प्लेस पे जीरो तो आ नहीं सकता, इसको छोड़ दे रहे हैं। अच्छा वन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, फाइव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, टू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सिक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो गई हमारे पास सर? फाइव। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो गई? फाइव। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, माने किसी ना किसी इन पांचों में से किसी ना किसी एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो नंबर रिपीट ना हो सके, ठीक है ना। हमने मान लीजिए टू को फिक्स कर दिया, हमने यहां पे कट कर दिया और हमने कह दिया भैया टू तो यहां पे आ गया। अब
दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर दूसरे प्लेस पे जीरो आ सकता है, चेक करें जरा। यस सर बिल्कुल आ सकता है, इसे 105 माने 105 पढ़ेंगे, माने जीरो कभी भी पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो। बात समझ में आ गई दोस्तों? दूसरे प्लेस पे जीरो आ सकता है, आ सकता है। तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? एक जीरो, एक वन, एक फाइव, एक एट और एक सिक्स। तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? अगेन फाइव। दूसरे प्लेस के लिए अगेन कितनी चॉइस? फाइव। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए सिक्स को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? जीरो, वन, फाइव और एट, माने फोर चॉइसेस। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? हंड्रेड। माने इन डिजिट का यूज करके थ्री डिजिट के सिर्फ हंड्रेड नंबर्स बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसको हम दोबारा से उतार लेते हैं यहां पे। जीरो, वन, फाइव, टू, एट और सिक्स, ठीक है सर। अब रिपीटेशन इज अलाउड की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, तीन डिजिट का नंबर बनाना है, तीन प्लेसेस होंगे हमारे पास। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर जीरो तो आ नहीं सकता, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो। तो पहले प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? वन आ सकता है, फाइव आ सकता है, टू आ सकता है, एट आ सकता है, सिक्स आ सकता है। माने पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? फाइव। अब क्या किसी को फिक्स किया जाएगा? नहीं सर, कोई फिक्स नहीं होगा। कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? कोई भी आ सकता है। माने दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सिक्स। और तीसरे के लिए भी कितनी चॉइस? सिक्स। माने टोटल कितने नंबर बन गए? 180 नंबर। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इससे क्या पता लगा? सर इससे पता ये लगा, 180 नंबर में से 100 नंबर ऐसे होंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। बाकी इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 80। माने 80 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें नंबर्स क्या हो रहे होंगे? रिपीट हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात दोस्तों? समझ में आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 टू 10,000। अब 100 टू 10,000 का मतलब क्या हुआ? 100 से लेके 10,000 के बीच की बात कर रहा है। सर 100 से लेके 10,000 के बीच में कितने कितने डिजिट का नंबर आएगा? सर एक तो थ्री डिजिट का नंबर आएगा और एक फोर डिजिट का नंबर आएगा। भाई 100 से लेके 10,000 के बीच, 1,000 के बीच की बात करूं, 100 से 1,000 के बीच में थ्री डिजिट का नंबर आएगा और 1,000 से 10,000 के बीच में चार डिजिट का नंबर आएगा। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, 100 टू 1,000 और 1,000 टू 10,000। यहां बनेगा थ्री डिजिट का नंबर और यहां बनेगा फोर डिजिट का नंबर। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस, इन डिजिट का यूज करना है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, रिपीटेशन अलाउड मानेंगे या नॉट अलाउड? सर नॉट अलाउड, ठीक है सर। अब यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? यहां आ जाइए, यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? जीरो तो आ नहीं सकता पहले प्लेस पे, जीरो तो पहले प्लेस पे आ ही नहीं सकता। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? फाइव। दूसरे किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए फोर को फिक्स कर दिया, कट कर दिया हमने यहां से। अब दूसरे प्लेस के लिए अब तो जीरो आ सकता है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, अगेन फाइव। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस? फोर। नंबर कितने बने? हंड्रेड। बात समझ में आ गई सर? ये तो आ गए थ्री डिजिट के नंबर। अब फोर डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां से इनको हटाना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा थ्री और फोर, थ्री एंड फोर, ठीक है सर। अब इधर आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? जीरो तो आ नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो वन, फाइव, सिक्स, थ्री, फोर, माने फाइव चॉइसेस। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए सिक्स को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए अब तो जीरो आ सकता है, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? फाइव, फिर फोर, फिर थ्री। मतलब कितने नंबर बने? 300। इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया? 400। माने अगर हम बात करें 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे?
हंड्रेड नंबर, 1000 से 10000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे, 300 नंबर, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 400। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्वेश्चन करने का तरीका आ रहा है, क्वेश्चन में बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं लगाना सर, क्वेश्चन को प्रैक्टिकल सोचना है आपको, जितना प्रैक्टिकल सोचेंगे क्वेश्चन उतना इजी लगेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000, सर 1000 से छोटे की बात कर रहा है। अब 1000 से छोटे कितने कितने डिजिट के नंबर बनेंगे, सर लेस देन 1000 की बात कर रहा है। लेस देन 1000 का मतलब एक तो तीन डिजिट का नंबर बनेगा, एक दो का बनेगा और एक एक का बनेगा, एक तो थ्री डिजिट का नंबर बनेगा, एक दो डिजिट का नंबर बनेगा और एक एक डिजिट का नंबर बनेगा। थ्री डिजिट का नंबर का मतलब क्या हुआ, यह हो गया हाँ जी सर, ये हो गया 100 से लेके 1000 तक का। दो डिजिट का मतलब हो गया 10 से लेके 100 तक का, और एक डिजिट का मतलब हो गया 1 से लेके 10 तक का, या 0 से लेके 10 तक का, माने नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, अब इस पे आ जाइए। हाँ जी सर, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, भाई 0 तो आ नहीं सकता पहले प्लेस पे, ठीक है ना, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 1 2 3 4 5 6 चॉइस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए, 5 को फिक्स कर दिया। अब दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस, कुछ लिखा नहीं है तो रिपीटेशन क्या मानेंगे, नॉट अलाउड मानेंगे। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस, अब तो 0 आ सकता है, अगेन 6 चॉइस, और तीसरे के लिए कितनी चॉइस, 5, तो कितने नंबर बन गए, 180। भाई देखिए ना, पहले प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 छह चॉइस, किसी एक को फिक्स कर दिया। दूसरे प्लेस के लिए अब तो 0 आ सकता, तो 1 2 3 4 5 6 फिर किसी एक को फिक्स कर देंगे, नेक्स्ट के लिए 1 2 3 4 5 180 नंबर बने। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसके बाद दोबारा से लिख लेते हैं इसको। हां जी सर, यहां जाइए, यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 0 नहीं आ सकता, लेकिन बाकी तो आ सकते हैं, 6 चॉइस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स कर दिया। दूसरे प्लेस के लिए अब तो 0 आ सकता है, अगेन 6 चॉइस, 36। तो और यहां पे पहले प्लेस के लिए 0 को मत काउंट करिएगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 6 चॉइस, तो आंसर कितना आ गया, 222। करने का तरीका समझ में आ रहा है सर? ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चन से, जहां पे हम नंबर्स बनाना सीखते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 1000। अब देखिए जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 300 से बड़ा लेकिन 1000 से छोटा, मतलब नंबर बनाना है 300 से 1000 के बीच में। अब पहले ये बताइए, 300 से 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर आएगा? सर 3 डिजिट का नंबर आएगा। 0 से लेके 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर आएगा? सर 3 डिजिट का नंबर आएगा। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, आपको डिजिट यूज करने हैं ये 0 1 2 3 4 5। अब आ जाइए सर, कुछ ने लिखा है तो रिपीटेशन इज अलाउड या नॉट अलाउड? सर नॉट अलाउड। अब जरा बात करें पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, सर पहले प्लेस में 0 तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, क्या 1 आ सकता है? मतलब सर क्या पहले प्लेस पे यहां पे 1 आ सकता है? यस सर। सर कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? भाई हमें नंबर बनाना है 300 से बड़ा, मतलब पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब अगर नंबर 1 आप यहां पे लिख दें, यहां नंबर 1 लिख दें, मतलब यहां लिख लेता हूं 1, और उसके बाद कोई से भी दो नंबर लिख दीजिए 2 और 0, तो ये नंबर क्या पढ़ेंगे आप इसे, 120। इसे क्या पढ़ेंगे, 120। क्या ये 300 से बड़ा है? नहीं है। मतलब पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तभी तो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट हो पाएगी आपकी।
नहीं आई बात समझ में, पहले तो हम रिस्ट्रिक्शन देखेंगे भाई। पहले कह रहा है 300 से बड़ा और 1000 से छोटा, माने पहले प्लेस पे तीन या तीन से बड़ा नंबर आना चाहिए, पहले प्लेस पे तीन या तीन से बड़ा नंबर आना चाहिए, माने थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस रहेगी? ओनली थ्री, थ्री फोर एंड फाइव। बात समझ में आ गई दोस्तों? किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैंने कहा ये यहां पे आके बैठ गया, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। दूसरे प्लेस पे सर, दूसरे प्लेस पे तो कोई आए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से पहले प्लेस की थी। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए फोर को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? फोर। तो नंबर कितने बने? थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फोर जा सिक्सटी नंबर्स बने। करने का तरीका समझ में आया सर? हमेशा याद रखिएगा, चॉइसेस को प्लेस के नीचे रखिएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 10,000। 300 से बड़ा लेकिन 10,000 से छोटा नंबर बनाना है। 300 से बड़ा लेकिन 10,000 से छोटा नंबर बनाना है, माने 300 से 10,000 तक की बात कर रहा है। पहले तो बताइए कितने कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? सर एक तो थ्री डिजिट का नंबर बनेगा और एक फोर डिजिट का नंबर बनेगा। एक तो थ्री डिजिट का नंबर बनेगा और एक फोर डिजिट का नंबर बनेगा। थ्री डिजिट का नंबर कहां से कहां बनेगा, हम इसको तोड़ लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। एक तो 300 से 1000 और एक 1000 से 10,000। यहां बनेगा थ्री डिजिट का नंबर और यहां बनेगा फोर डिजिट का नंबर। बात समझ में आ गई? यहां बनेगा थ्री डिजिट का नंबर और यहां बनेगा फोर डिजिट का नंबर। आपको डिजिट यूज करने हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आ जाओ इस प्लेस पे, पहले प्लेस पे। जब 300 से 1000 के बीच की बात कर रहे हैं तो पहले प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? हां जी सर, जीरो आ सकता है, नहीं, वन आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, पहले प्लेस पे तीन या तीन से बड़ा नंबर आना चाहिए, माने ना ही वन आएगा ना ही टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, माने पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? फोर। कौन कौन सी? थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। दीज आर द चॉइसेस, नॉट द नंबर्स। बात समझ में आ गई? किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए फाइव को फिक्स कर दिया मैंने। मैंने कहा इसका मतलब ये फाइव यहां आके बैठ गया, रिस्ट्रिक्शन खत्म, कहानी खत्म। दूसरे प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे प्लेस पे कौन आ सकता है? अब तो कोई भी आ सकता है, माने एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सिक्स चॉइसेस। फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, जीरो को कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये बन गया 120 नंबर। अब आ जाते हैं यहां पे 1000 से 10,000 के बीच में नंबर्स यही यूज करने हैं दोबारा से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कोई डिजिट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। पहले प्लेस पे जीरो तो आ नहीं सकता, बाकी तो कोई भी आ जाएगा। सर एक बात बताइए ना, जो नंबर 1000 से बड़ा होगा वो 300 से तो अपने आप ही बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले प्लेस पे जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए फाइव को फिक्स कर लिया। अब दूसरे प्लेस के लिए अब तो कोई भी आ सकता है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, फिर पांच और फिर चार, ये कितने बन गए? 720। तो टोटल नंबर कितने बन गए? 840। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर मिल रहा है तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करना जरूरी भी है क्योंकि यहां थ्री डिजिट का नंबर भी बनेगा, फोर डिजिट का नंबर भी बनेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 3000। अब जरा देखिए क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी फिर मैंने चेंज कर दी।
अब 10,000 की जगह मैं 3,000 तक की बात कर रहा हूं, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 01234, कुछ नहीं लिखा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो 300 से बड़ा और 3000 से छोटा ये नंबर बनाने हैं, तो इसमें कितने कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? सर एक तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा और एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा, लेकिन 3000 से छोटे तक की बात हो रही है। 3000 से छोटे का मतलब हो गया 2999 तक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो रिपीटेशन अलाउड है, इसमें भी रिपीटेशन अलाउड है, बात समझ में आ गई। मतलब यहां अगर नंबर को देखें तो ये नंबर यहां पे क्या रख रहे हैं, रिपीट, जबकि हमारा क्वेश्चन किसका है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको, पहले बनाएंगे 300 से 1000 तक का नंबर और फिर बनाएंगे 1000 से 3000 तक का नंबर। यहां बनेगा 3 डिजिट का नंबर, यहां बनेगा 4 डिजिट का नंबर। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये अलग बनाएंगे, दोनों को एडअप कर देंगे, बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब यहां पे आ जाते हैं। जब 3 डिजिट का नंबर बनाने जा रहे थे, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? भाई पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा, पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा। 0 आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, क्या आएगा? 3 और 4, दो चॉइसेस है हमारे पास। पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा, 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 4 को फिक्स कर दिया, भाई जो चॉइसेस है उसमें से ही फिक्स करिएगा, उसके अलावा कहीं और से नहीं। ये नहीं आप 1 फिक्स कर दें, वो तो चॉइस में है ही नहीं आपके। बात समझ में आ गई? अब दूसरे प्लेस पे, अब तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, क्योंकि देखिए यहां 0 लिखा हुआ है, दूसरे प्लेस पे तो कोई भी आ सकता है, 4 और 3, माने 4 3 12 24 नंबर ये बनेंगे, ठीक है सर। अब यहां आ जाइए, इनको दोबारा से उतार लेते हैं, 0 1 2 3 और 4, हाँ जी सर, यहां आ जाइए। यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर 0 आ सकता है, 0 तो आ ही नहीं सकता। 1 आ सकता है, हाँ सर 1 आ सकता है। 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 नहीं, क्यों? क्योंकि अगर यहां नंबर लिखूंगा 3 तो नंबर बनेगा 3000 समथिंग, और हमें चाहिए नंबर 3000 से छोटा, माने 2999 तक की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? तो पहले प्लेस पे एक तो 1 आ सकता है और एक 2 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है ना ही 4 आ सकता है, दो चॉइसेस, ठीक है ना। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 2 को फिक्स कर दिया, अब तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 4 फिर 3 फिर 2, तो 4 3 12 2 24 2 48, 48 नंबर ये बने, एड अप कर दीजिए कितना आ गया, 72 नंबर्स। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? ये आपके कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2300 बट लेस देन 10,000? इट इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। आपको 2300 से 10,000 के बीच की बात करनी है, 2300 से 10,000 के बीच की बात करनी है, कितने डिजिट का नंबर बनेगा? सर 4 डिजिट का नंबर बनेगा। अच्छा, बाई यूजिंग द डिजिट 01234 5, इन डिजिट का आपको यूज करना है, ये इन डिजिट का यूज करना है। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर पहले प्लेस पे 2 या 2 से बड़ा नंबर आएगा, माने 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 चॉइसेस हो गए। अच्छा, दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा, कोई किसी एक को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए 5 को फिक्स कर दी। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 3 4, आप
कहना ये चाह रहे हो कि दूसरे प्लेस पे 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, यही तो कहने का मतलब है, यही तो कहने का मतलब, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा जरा ध्यान से, इससे ही बना रहा हूं नंबर्स, 5 1 2 3, 5 1 2 3, ये 4 डिजिट का नंबर है। क्या दूसरे प्लेस पे 3 से छोटा नंबर नहीं आया? आया ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। माने हम सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें तो अगर यहां पे 2 है, पहले प्लेस पे 2 है, तो दूसरे प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे पहले प्लेस पे 2 से कोई बड़ा नंबर, मान लीजिए 4, तो दूसरे प्लेस में यहां 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। माने इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा है सर, इस 2300 का नियरेस्ट 1000 कौन सा है, 3000। तो पहले हम बनाएंगे 2300 से 3000, फिर बनाएंगे 3000 से 10000। माने पहले हम बनाएंगे 2300 से 3000, फिर हम बनाएंगे 3000 से 10000। माने इसमें आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने जाएंगे तो गलती होगी ही होगी। नहीं आए बात समझ में? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आप देखिए ना, सेकंड प्लेस पे आप कहेंगे 3 या 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, जबकि सेकंड प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि पहले प्लेस पे 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर 2 है तो दूसरे प्लेस पे 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो कंडीशन ऐसी दिक्कत वाली हो रही है। तो हमने क्या करा, इसका नियरेस्ट 1000 देख लिया, क्या हुआ 2300 का नियरेस्ट 1000 क्या हुआ, 3000। पहले 2300 से लेके 3000, 3000 का मतलब क्या हुआ, 2999 तक की बात हो रही है, 2999 तक की बात हो रही है। फिर 3000 से डायरेक्ट 10000 की बात हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां बनेगा कितने डिजिट का नंबर, 4, और यहां भी बनेगा कितने डिजिट का नंबर, 4। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब यहां लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। हां जी सर, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2300 से 3000 के बीच में, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? भाई देखिए ना, ये 2999 तक की बात कर रहा है, देखा जाए तो पहले प्लेस में तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, कौन सा, नंबर 2। एक ही चॉइस है नंबर 2 की, पहले प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 आ सकता है, नंबर 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। दूसरे प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा, 3 या 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा, माने 3 4 5, 3 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। कर दिया सर, ये तो पहले ही फिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए अब तो कोई भी आ जाएगा, 1 2 3 4, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस, 3। नहीं आया समझ में? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, पहले प्लेस पे नंबर 2 फिक्स हो चुका, सिर्फ एक ही चॉइस है, नंबर 2 फिक्स कर दिया। दूसरे प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा, माने 3 4 5, 3 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर दिया। अब तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस रह गई, 1 2 3 4, फिर एक कम कर देंगे नेक्स्ट के लिए, 3, कितने हो गए, 3 4 12, 3 36, 36 नंबर्स तो ये बने सर। फिर दोबारा नंबर्स उतार लेते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। अब इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हां जी सर, यहां जाइए, यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 3 या 3 से बड़ा नंबर चाहिए, माने 3 4 और 5, 3 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए, 4 को फिक्स कर दिया। अब तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट के लिए फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए, 4 और 3, तो 3 5 15, 4 63 180। तो टोटल नंबर कितने बन गए सर, 216।
बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आया। इन क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप इनको तोड़ते हुए चलिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट है सर 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, सो दैट द नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। नंबर क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। हमने यहां 1, 2, 3, 4 नंबर स्टार्ट विथ 2 का मतलब 2 को हमने यहां फिक्स कर दिया। हमने कहा यहां पे सिर्फ नंबर 2 आएगा, 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, 2 को कर दिया फिक्स। मैंने यहां के लिए सिर्फ एक चॉइस है, नंबर 2। बात समझ में आ गई। अब दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस, अब तो कोई कहीं आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 5 और नेक्स्ट के लिए 4, कितने नंबर बने 120। करने का तरीका समझ में आया, ये नंबर है जो फिक्स हुआ, ये चॉइसेस हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर रहा है, फिर वही चार डेट का नंबर बनाना है। ये कह रहा है द नंबर ऑलवेज एंड्स विद 0, माने इसको काट के मैं दोबारा से 2 लिख देता हूं। हाँ जी सर। अब वो कह रहा है द नंबर ऑलवेज एंड्स विद 0, माने लास्ट प्लेस पे 0 आना चाहिए, या 0 फिक्स कर दिया भैया, 0 कहीं और नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, भाई कोई भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट के लिए 5 और नेक्स्ट के लिए 4, ये भी कितने नंबर बने 120। ठीक है ना सर, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना दोस्तों। ऐसे ही अगर इवन नंबर की बात कहेगा तो क्या करेंगे, एक बार लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 फिक्स करेंगे। डिविजिबल बाय 5 की बात करेगा तो लास्ट में 0 फिक्स करेंगे, एक बार 5 फिक्स करेंगे। ऑड नंबर की बात करेगा तो 1, 3, 5, 7, 9 फिक्स करेंगे। इस तरीके से इन डिजिट वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की, जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, कंप्यूटर, अकाउंटेंट, कुरुक्षेत्र, मिसिसिपी, कुछ भी हो, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना, एक नंबर्स वाले क्वेश्चंस को करना। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब आप नंबर्स वाले क्वेश्चन कोई भी आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करिएगा। आपको अभी एनपीआर का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब बिल्कुल बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ CUC सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन कॉन्टेक्ट। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम CUC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग अ CMA फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार तो सर की क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू CUC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू
स्कोर अ गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।